गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मिस चेल्सी डाब्रे एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फोर्थ स्टैंडर्ड सेकेंड. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस राइट सब्जेक्ट दैट इज मैथ्स. लेसन्स नेम वी विल राइट आफ्टरवर्ड स्टूडेंट्स एंड स्टैंडर्ड सेकेंड. सो स्टूडेंट्स, टिल नाउ वी हैव फिनिश्ड विद द सेकेंड कंबाइंड बुक पोर्शन, राइट? मतलब इस बुक में जितने भी लेसन्स है मैं आपको सब लेसन्स सिखा सकी हूं. ओके, मतलब पढ़ा सकी हूं. तो बच्चों, दैट इज From today onwards, we are going to start with our revision of the lessons. Okay? तो बच्चों, आज से इस वीडियो में हम रिविजन करना शुरू करेंगे. ओके? तो कुल मिलाकर कंबाइंड बुक नंबर 2 में है 1.20 लेसन. हमारे सब लेसन्स हो चुके हैं. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लेसन नंबर 1.11 और 1.12 की रिवीजन पढ़ाने वाली हूं. ओके, इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज लेसन नंबर 1.11 एंड 1.12. ओके, सो स्टूडेंट्स, एज यू मस्ट बी नोइंग, मतलब आपको पता ही होगा मैंने आपको लेसन नंबर 1.11 और 1.12 में क्या क्या सिखाया है. तो चलिए हम शुरू करते हैं रिवीजन से. तो बच्चों, उससे पहले हम ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखेंगे, आवर टॉपिक दैट इज रिवीजन. ओके, तो बच्चों शुरुआत करते हैं लेसन नंबर 1.11 के रिवीजन से. ओके, तो लेसन नंबर 1.11 में हमें क्या बताया गया है, पहले मुझे आप उस लेसन का नाम बताइए. लेट्स काउंट नंबर्स इन स्टेट्स, राइट? मैंने आपको ये लेसन पढ़ाया है, बराबर? तो बच्चों, आपको याद है मैंने आपको इस लेसन में क्या क्या पढ़ाया था? यस, कौन मुझे बताएगा व्हाट आई हैव टॉट यू इन दिस लेसन? यस, हु रिमेंबर्स इट? यस, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द रिवीजन. ओके, बच्चों मैंने आपको इस लेसन में यह सिखाया था कि देयर वाज अ नंबर लाइन, एक नंबर लाइन थी, उस लाइन पे 0 से लेकर 18 तक नंबर थे, हमें स्टेप्स काउंट करने थे. फॉर एग्जाम्पल, स्टेप ऑफ 2, हम 2 से शुरुआत करके स्टेप ऑफ 2 में हम 4 शुरुआत करके 6 पहुंचते, तो वैसे ही हम आज नंबर लाइन के बारे में रिविजन करेंगे. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर रिविजन. ओके, तो बच्चों मैंने आपको कौन कौन से स्टेप्स पढ़ाए थे, स्टेप ऑफ 2, स्टेप ऑफ 3, स्टेप ऑफ 4 एंड स्टेप ऑफ 5. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस रिवाइज, राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ नंबर 9. ओके, चलिए बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं आई एम ड्रॉइंग अ नंबर लाइन. तो बच्चों, जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, हम ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन. तो चलिए नंबर भी लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ओके, ये है हमारी नंबर लाइन. तो बच्चों, इसे क्या कहते हैं, ये है हमारी नंबर लाइन. ओके, तो बच्चों
स्टेप ऑफ टू, ओके हमें स्टेप ऑफ टू से शुरुआत करना है, ओके मतलब यह एक नंबर दिया गया है, ये कौन सा नंबर है, नंबर चार, तो ना हमें नंबर चार पे खड़ा रहना है और चार के बाद दो स्टेप्स लेकर जो नंबर आएगा वो हमारा दूसरा नंबर होगा और उस नंबर पे खड़े रहकर दो स्टेप आगे जाना है और आगे जाने के बाद जो नंबर आएगा वो हमें नंबर यहाँ लिखना है, ओके सो नाउ वी आर ऑन द नंबर फोर, सो नाउ वी हैव टू टेक टू स्टेप्स, ओके हम लेंगे दो स्टेप्स। सी स्टूडेंट्स, दिस इज द नंबर लाइन, वी आर ऑन द नंबर फोर, ओके ये है हमारी नंबर लाइन, हम चार नंबर पे है, अभी हमें स्टेप ऑफ टू लेना है फोर नंबर से और जो भी स्टेप दो स्टेप लेने के बाद जो भी नंबर आएगा वो हम नंबर यहाँ पे लिखेंगे, ओके तो अभी हम नंबर चार पे है बराबर, वी आर ऑन द नंबर फोर, अभी हम कितने स्टेप्स लेंगे, टू, वन टू, तो बच्चों कौन सा नंबर आया, सिक्स बराबर, तो चार के बाद हम लिखेंगे सिक्स, अभी हम नंबर छह पर है बराबर, तो अब हम छह से दो स्टेप और आगे बढ़ेंगे, सी सिक्स टू सेवन, सेवन टू एट, तो तीसरा नंबर है आठ, अभी हम आठ नंबर पर है तो दो स्टेप्स के बाद कौन सा नंबर आएगा, एट टू नाइन, नाइन टू टेन, दस, अब हम दस नंबर पे है, दस के बाद कौन सा नंबर आएगा दो स्टेप लेने के बाद, टेन टू इलेवन, इलेवन टू ट्वेल्व, ओके तो बच्चों ये है हमारा आंसर, ओके तो बच्चों चलिए एक और स्टेप सीखते हैं। स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी स्टेप ऑफ थ्री, ओके तो अभी हमने क्या देखा, स्टेप ऑफ टू, ओके तो अब हम करेंगे स्टेप ऑफ थ्री, ओके तो चलिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये है हमारी नंबर लाइन, तो चलिए नंबर्स लिखते हैं, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और पंद्रह, ओके स्टूडेंट्स एज यू कैन सी ऑन द ब्लैक बोर्ड मैंने क्या ड्रॉ किया है, मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की है बराबर, ये है हमारी नंबर लाइन, तो बच्चों अभी हमें स्टेप्स लेने हैं तीन, स्टेप ऑफ थ्री, ओके तो हम स्टेप ऑफ थ्री से टू से शुरुआत करेंगे, ओके हम टू से स्टेप ऑफ थ्री लेना शुरू करेंगे, तो बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं, तो बच्चों लास्ट सम में हमने कौन से स्टेप्स लिए थे, स्टेप ऑफ टू, तो अब हम इस सम में स्टेप ऑफ थ्री लेंगे, तो चलिए टू से स्टेप ऑफ थ्री लेते हैं, टू टू थ्री इज वन स्टेप, थ्री टू फोर इज सेकेंड स्टेप एंड फोर टू फाइव थर्ड स्टेप, तो कौन सा नंबर आएगा, हमारा टू नंबर, फाइव नंबर आया, तो टू के बाद हम लिखेंगे नंबर फाइव, ओके तो चलिए पांच के बाद भी तीन स्टेप्स लेते हैं, तीन स्टेप्स आगे बढ़ेंगे, फाइव टू सिक्स वन स्टेप, सिक्स टू सेवन सेकेंड स्टेप, सेवन टू एट थर्ड स्टेप, तो हमारा कौन सा नंबर आया, हम कौन से नंबर पे रुके, आठ नंबर पर बराबर, तो हमारा आंसर है आठ,
ओके बच्चों, आपको समझ में आया? यस। तो अब हम नंबर 8 पे है, बराबर। तो अब हम 8 नंबर पे से 3 स्टेप्स और आगे बढ़ेंगे। 8 to 9 वन स्टेप, 9 to 10 सेकेंड स्टेप, 10 to 11 थर्ड स्टेप। तो हम कौन से नंबर पे रुके? 11 नंबर पे रुके, बराबर। तो हमारा आंसर क्या है? नंबर 11। समझ में आया बच्चों? हाँ। तो अब हम 11 नंबर पे रुके हैं, बराबर। तो अब हम 3 स्टेप और आगे बढ़ेंगे। 11 से 12 एक स्टेप, 12 से 13 दूसरा स्टेप्स, और 13 से 14 तीसरा स्टेप। तो हम कौन से नंबर पे रुके? 14 नंबर पर, बराबर बच्चों। तो हमारा चौथा नंबर कौन सा आएगा? पांचवा नंबर। हमारा पांचवा नंबर आएगा 14। बच्चों आपको समझ में आया? यस। सो टुडे वी रिवाइज स्टेप ऑफ 2 एंड स्टेप ऑफ 3। ओके बच्चों? यस। तो बच्चों अभी हम लेसन नंबर 1.12 का रिवीजन शुरू करेंगे। ओके तो बच्चों लेसन नंबर 1.12 इसमें क्या दिया गया है? यस, लेसन नंबर 1.12 इसका नाम है फन विद एडिशन। ओके तो बच्चों आप सबको पता ही होगा मैंने आपको यह लेसन सिखाया है, बराबर। तो मैंने आपको इस लेसन में क्या सिखाया था? यस, हु विल टेल मी व्हाट आई हैड टॉट यू इन दिस लेसन? यस, इफ द ऑर्डर ऑफ द सम चेंजेस द आंसर विल रिमेन द सेम। मतलब अगर नंबर का ऑर्डर चेंज होता है तो आंसर सेम ही रहेगा। और मैंने आपको क्या क्या बताया था? यस, हु विल टेल मी? यस, क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था एक नंबर हमें दिया गया है, हमें एक साइड में नंबर दिया जाता है और एक साइड में एक ब्लैंक बॉक्स दिया जाता है। हमें एक नंबर ऐसा फाइंड करना है जो कि दोनों के टोटल उस नंबर के बराबर होंगी, बराबर। तो चलिए लेसन नंबर 1.12 और वो है फन विद एडिशन, इसके बारे में अधिक रिवीजन करेंगे। ओके तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद रिवीजन ऑफ आवर लेसन नंबर 1.12। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स यू कैन ओपन पेज नंबर 42 फॉर योर रेफरेंस। ओके यस। सो स्टूडेंट्स इन दिस लेसन व्हाट आई हैड टॉट यू? यस, अगर हम नंबर के ऑर्डर चेंज करते हैं तो आंसर सेम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूं, ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिए बच्चे। सी स्टूडेंट्स, 4 + 5 कितने होंगे? कौन मुझे बताएगा 4 + 5 कितने होंगे? काउंट करिए, 4 + 5 होंगे 9, बराबर। लेकिन मैंने अगर 5 + 4 लिखा तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? 5 + 4 इसका आंसर भी होगा 9, बराबर। 4 + 5 इज ऑल्सो 9 एंड 5 + 4 इज ऑल्सो 9। तो बच्चों इससे आपको क्या समझ में आता है? यदि हम नंबर की ऑर्डर चेंज करते हैं
तो फिर भी आंसर सेम ही रहेगा. ओके, सो नाउ लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ फन विद एडिशन इसके लेसन के. ओके, यस स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ फन विद एडिशन. ओके, यस. तो बच्चों अब मुझे कौन बताएगा 3 + 8 कितने होते हैं, काउंट कीजिए. यस, 3 + 8 होते हैं 11, बराबर 3 + 8 = 11. तो चलिए आंसर लिखते हैं. तो बच्चों यदि मैं 8 + 3 लिखती हूं तो बच्चों इसका क्या जवाब होगा, कौन मुझे बताएगा. देखिए मैंने यहां 3 + 8 किए तो इसका टोटल आया 11, लेकिन मैंने यहां नंबर का ऑर्डर चेंज किया है. मैंने पहले 3 यहां लिखा था और 8 यहां लिखा था, लेकिन अब मैंने 8 यहां लिखा है और 3 यहां लिखा है. तो बच्चों अब आप मुझे बताओ 8 + 3 क्या होगा, 8 + 3 इसका जवाब भी होगा 11, बराबर बच्चों. तो बच्चों इससे फर्क नहीं पड़ता, यदि हम नंबर का ऑर्डर चेंज करते हैं तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही का वही रह जाता है. ओके, 3 + 8 वो है 11 और 8 + 3 वो भी है 11. ओके, आंसर रिमेन्स द सेम. तो बच्चों चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का रिवीजन लेंगे और वो है फिल द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस. तो बच्चों जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख ही रहे हैं, ये है हमारा नंबर 8. ओके, इसके दोनों साइड पे हमें कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, बराबर. वो कौन कौन से नंबर है, 6 और 6. तो बच्चों उसके साथ ही हमें एडिशन का एक साइन दिया हुआ है, दैट इज प्लस. तो बच्चों यह एक ब्लैंक बॉक्स भी दिखाई दे रहा है, राइट. यस, सो स्टूडेंट्स, तो बच्चों अभी हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके साथ 6 ऐड करके आंसर होगा 8. ओके, तो बच्चों अभी हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके साथ 6 ऐड करो तो हमारा आंसर होगा 8. तो बच्चों वो कौन सा नंबर होगा बताइए, हम वो नंबर दोनों साइड्स में लिखेंगे. ओके, तो आप मुझे बताओ वो कौन सा नंबर होगा, सोचिए और बताओ वो मुझे. यस, 3 6 + 3 कितने होंगे, 9, बराबर. तो हमारा नंबर 8 है, हमें 8 नंबर चाहिए ना कि 9. तो कैसा होगा, 6 + 1, नो राइट, 6 + 1 = 7, बट वी वॉन्ट नंबर 8. यस, वी कैन टेक 6 + 2, हम 6 + 2 ले सकते हैं. तो बच्चों इस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा, 2, बराबर 6 + 2 = 8, राइट. हमें जवाब मिल गया, हम लिखेंगे
सिक्स प्लस टू इज इक्वल टू एट, और यहां कौन सा नंबर आएगा बताओ, टू ही आएगा। ओके तो बच्चों इससे हमें क्या पता चलता है, यस यदि हम नंबर्स के ऑर्डर चेंज करें फिर भी आंसर वही का वही रहेगा। ओके सी सिक्स प्लस टू इज इक्वल टू एट, टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू एट। सी स्टूडेंट्स यर वी हैव चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, फिर भी आंसर आठ का आठ ही रहेगा। ओके सो नाउ लेट अस सी वन लास्ट एग्जांपल। तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे हैं अभी यहां कौन सा नंबर है, नंबर पांच बराबर, और इसके साइड दोनों में इसके दो साइड में कौन कौन से नंबर है, डैश प्लस फोर एंड फोर प्लस डैश। तो बच्चों अभी हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसके साथ फोर ऐड करके हमारा आंसर होगा फाइव, वो कौन सा नंबर होगा बच्चों, दिस सम इज वेरी इजी बताओ, यस वो नंबर होगा एट बराबर, वन प्लस फोर होता है पांच एंड फोर प्लस वन होता है पांच। सो स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट वेदर वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स द आंसर विल रिमेन सेम एज इट इज। ओके स्टूडेंट्स यस सो स्टूडेंट्स इन टूडेज वीडियो वी टूक रिविजन ऑफ लेसन नंबर 1.11 एंड 1.12। ओके बच्चों तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने कौन कौन से लेसन रिवाइज किए, लेसन नंबर 1.11 और 1.12 बराबर, यस तो मैं आपको होमवर्क आपके फोन पर सेंड करूंगी। ओके बच्चों यस थैंक यू एंड बाय।